So hi there, so welcome to you all in my YouTube channel. In this video we are going to discuss about work and holiday visa. You know, many of you are from India and Pakistan. They are inquiring about this visa and they always comment on my previous videos about this visa, you know. So this visa, what are the requirements, and I will be also discuss about that as an Indian citizen or as a Pakistan citizen you can apply. So first of all, going to discuss about what is the aim for this visa, what is the objective for this visa for the Australian government perspective, you know. इस वीज़ा का मतलब ये है कि कोई भी सिटीज़न यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आ सकता है. ये एक साल का वीज़ा मिलता है और उसके अंदर जो है वो यहाँ पर आ सकता है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रह सकता है, घूम सकता है पूरे ऑस्ट्रेलिया में. और उसके अंदर उसके लिए 3 महीने तक मिनिमम काम करना होता है. उसको दिखाना पड़ेगा 3 महीने तक उसने किसी रीजनल एरिया में काम किया है और उसके बाद जो है वो और जो है अप्लाई कर सकता है फर्दर 1 साल के लिए, है ना. ऐसा ही फिर जो है थर्ड टाइम के लिए, जो है अगर आपने वहाँ 4-4 महीने अगर काम किया है अपने सेकेंड टाइम में, तो जो है थर्ड टाइम को भी आपको जो है वीज़ा मिल सकता है ना. और इन सब के दौरान अगर आपने जो अगर आपको PR अप्लाई करना है, तो जो आपको एक नॉर्मल प्रोसीजर है वही एक प्रोसेस होगा. जैसे कि आपके एक नॉर्मल जो है आपके इतने पॉइंट्स होने चाहिए, आपका ऑक्यूपेशन में लिस्ट में नाम हो, स्किल असेसमेंट के बाद आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं. वो तो बात की बात है, पर इसका मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी जो खेती होती है और जो बहुत सारे जहाँ पर जो शॉर्टेज है जो लोगों के काम करने की, स्पेशली लाइक एग्रीकल्चर वगैरह जो फार्म वगैरह होते हैं या जो डेयरी जो काम है उस टाइप का, जो ना बेसिकली एग्रीकल्चर में जो काम है वहाँ पर जितना भी जो काम होता है बेसिकली इन लोगों को ही लिया जाता है. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा जो है कमी है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है उन लोगों की. तो उसमें क्या होता है, ये लोग आते हैं 1 साल के लिए और फिर ये लोग जाके चले जाते हैं जो रीजनल एरिया, वहाँ पर जाके काम करते हैं ना. तो इससे जो है गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है कि उनके लिए जो लोग काम करने मिल जाते हैं और ये लोग भी जो ये जो कमाते हैं बेसिकली और 1 साल में फिर ये लोग स्पेंड करते हैं. और बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इस वीज़ा पे, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज, कोई भी है यूरोपियन यूनियन से जो कि यहाँ पे आता है घूमने के लिए, कोई UK से आता है या जो है जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पर जो है, और US से आते हैं. तो बहुत सारे जो कपल्स आते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए, उनका एक मेन मकसद यही होता है, वो इस वीज़ा पर आते हैं. 1 साल की वीज़ा की जो है मियाद होती है इसके अंदर, वो काम भी कर सकते हैं. सेकेंड टाइम आपको मिल सकता है, थर्ड टाइम भी आपको मिल सकता है ये 1 साल का वीज़ा. मगर ये नॉर्मली दिया जाता है जो यंग एज है, मतलब 18 से लेकर 30 साल के बीच में है. ये वीज़ा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है ना. कोई भी इंटर के बाद कोई भी एजुकेशन किया हुआ है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते. कोई ऐसा है इसके लिए वो नहीं है कि आपको इतनी एजुकेशन होनी चाहिए तभी आप जो है इस वीज़ा के लिए जो है आप लोग जो है एलिजिबल हैं. जो है एनएफ मनी होनी चाहिए जब आप यहाँ पर, और जो हेल्थ की बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, मतलब एक डॉक्टर आपको चेक करे कि हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, है ना, वो एक, और जो आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और इस टाइप की जो नॉर्मल चीज़ होती हैं कोई भी वीज़ा में, ये सारी इसकी जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो अब मैन ये देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती हैं आज की डेट में. जैसे कि बेल्जियम हो गया, कनाडा हो गया, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, डेनमार्क, इस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, और जो है आयरलैंड, इटली, जापान, कोरिया, माल्टा, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड ताइवान एंड UK. तो ये सारी कंट्रीज वाले ही ये दोनों वीज़ा हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई भी अभी अप्लाई नहीं कर सकता है. अब पिछले 1 साल से न्यूज़ ये आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को लोग यहाँ पर ज़्यादा चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, तो वो निगोशिएशन चल रही है 13 कंट्रीज़ के साथ में कि उन लोगों को ये राइट दिया जाए ऑस्ट्रेलिया में वो आ सकते हैं. तो उसमें से इंडिया भी एक कंट्री है, तो ये कि जो है गुड न्यूज़ है. इंडिया एलिजिबल हैं नहीं अभी, हम चलते हैं एक ऑफिशियल सोर्स की तरफ. ये जो है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है नई दिल्ली में, उन्होंने यहाँ क्लारिफिकेशन दिया हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं और कुछ जो एजेंट हैं इंडिया में जो है मतलब मिसगाइड कर रहे हैं ना, पैसे कुछ उन्होंने ले रखे हैं इस वीज़ा के लिए, उस टाइप से ना ये न्यूज़ आ रही थी बहुत सारी जगह पर. तो उन्होंने क्लियरली यहाँ मैंशन किया हुआ है, इंडियन नेशनल नॉट एलिजिबल फॉर द वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा. अभी जो है सिर्फ बात चल रही है गवर्नमेंट के साथ में और अभी जो है वो कोई फाइनल नहीं हुआ है, तो इंडियंस को अभी ये वीज़ा नहीं मिलेगा. और आगे उन्होंने पूरा डिटेल्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द इंडियन नेशनल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर ए वर्क एंड होल्ड वीज़ा सब क्लास 4462 वीज़ा एट दिस टाइम. एज ऑस्ट्रेलियन एंड इंडिया डू नॉट हैव ए रेसिप्रोकल वर्क एंड होल्ड, मतलब उन्होंने दोनों ने MOU साइन नहीं किया है अभी.
द वर्क एंड होल्डे प्रोग्राम इज फॉर यंग एडल्ट फ्रॉम एलिजिबल कंट्रीज टू हैव एन एक्सटेंडेड हॉलीडे टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया. एप्लीकेंट मस्ट मीट इंग्लिश रिक्वायरमेंट और मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट एंड ऑल दिस. उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है एंड ऑस्ट्रेलिया इज निगोशिएटिंग विथ 13 countries. देखो ये इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने. ऑस्ट्रेलिया इज निगोशिएटिंग विथ 13 countries टू इस्टेब्लिश न्यू वर्क एंड होलीडे वीज़ा अरेंजमेंट. एक्सेस बाय इंडियन नेशनल्स टू दिस प्रोग्राम इज सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ निगोशिएशंस बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड द इंडियन गवर्नमेंट. ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ दिस निगोशिएशन दिस अरेंजमेंट्स मे टेक मैनी ईयर्स टू बी सक्सेसफुल कंक्लूडेड. है ना, इसको जो एक प्रोसेस चल रहा है इंडिया गवर्नमेंट के बीच में ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के बीच में, ये इतना ईजी नहीं है. प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. मैनी ईयर्स उन्होंने लिख दिया है, मैंने ईयर्स का पता नहीं, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल कब होगा वो, है ना. तो अभी इंडियंस जो हैं एलिजिबल नहीं हैं इस वर्क वीज़ा के लिए, है ना. तो आप कन्फ्यूज़न में नहीं रहें और किसी भी एजेंट को ऐसे पैसे या कुछ भी नहीं दें, ये वीज़ा आपको नहीं मिल सकता है ना. तो आप ये जो क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ये जो है ना जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है नई दिल्ली में, उनका स्टेटमेंट है. और कुछ जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर उनको पूछ भी सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है ना, उस टाइप से, है ना. तो बस यही था इस वीज़ा का. तो इस वीज़ा में इंडियन या पाकिस्तानी आप अगर आप हैं तो आप इसके लिए अभी एलिजिबल नहीं हैं. वो कब होगा वो बात की बात है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.